Hello everyone, first of all I welcome all of you in this session. Dear ones, हमने last session में English language teaching के 4 basic principles discuss किए हैं, जिसमें हमने सीखा किस तरह से किसी language के wide subject material को हम select करते हैं principle of selection के तहत. Second, इस selected material को किस तरह से एक order में arrange करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के तहत. जब हम मटेरियल सिलेक्ट कर लेते हैं, उसे एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो हम उसे किस तरह से क्लासरूम में प्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में. और लास्ट, किस तरह से हम इस प्रेजेंटेड मटेरियल से स्टूडेंट्स ने कितना सीखा ये चेक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग में. टुडे we shall discuss some other important principles of English language teaching that we should keep in our mind when we teach English. This one is very important topic for read English, senior teacher English and school lecturer English. Is discussion se pehle I request you all to share and subscribe this channel so that you can get the latest video easily. Dear ones, principles of English language teaching से exam में दो तरह के question पूछे जाते हैं. First, theory related, जिनका answer हम इन principle को learn करके easily दे सकते हैं. Second, applied question, कि किसी situation में हमने किसी principle को किस तरह से apply करना है, इनका answer भी हम इन principle की proper understanding के द्वारा दे सकते हैं. तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं अदर प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस. नेचुरलनेस, प्राकृतिक तरीके से जिस तरह से एक चाइल्ड अपनी मदर टंग को सीखता है नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता हुआ. इन द सेम वे टीचर शुड प्रोवाइड natural atmosphere in his classroom so that student can learn the language easily. Second one, principle of imitation. Language learning is a matter of imitation. Nakal ke dwara hum mother tongue mein bhi apne family members ki nakal karte hue language bolna seekhte hain. In the same way, in classroom students imitate their teacher. So teacher should provide model pronunciation to all students. Next principle of teaching is the principle of motivation. Motivation के द्वारा हम किसी भी learning को बहुत easily करवा सकते हैं. और motivation principle plays very important role in learning English language also. Motivation can be of two type. Intrinsic motivation, extrinsic motivation. Intrinsic motivation किसी भी विद्यार्थी के inner self से आता है. और extrinsic motivation जब student को बाहरी वातावरण के द्वारा motivate किया जाता है. Intrinsic motivation is more effective than extrinsic motivation. हम students में motivation को 3 types की टेक्निक से पैदा कर सकते हैं. इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल अराउजिंग टेक्निक में हम स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं. तो ऐसी टेक्निक्स अराउजिंग टेक्निक के नाम से जानी जाती है. सेकंड वन, इंसेंटिव टेक्निक्स. यदि कोई स्टूडेंट कुछ अच्छा करता है, वी कैन गिव प्राइज टू स्टूडेंट टू मोटिवेट हिम. तो इंसेंटिव टेक्निक भी स्टूडेंट्स की मोटिवेशन में हेल्प करती है. थर्ड वन, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, जिसमें हम किसी भी स्टूडेंट से कुछ अच्छा बनने की एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं, जिसमें वो अच्छा फील करते हुए बहुत अच्छी लर्निंग करता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट. By creating interest in the students, we can make learning very easy. Interest पैदा करने के लिए हम
डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज गेम्स, डिफरेंट टाइप की TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम क्लास में यूज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स इजीली किसी मैटर को लर्न कर सकें। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण के द्वारा। लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली ए हैबिट फॉर्मेशन। इट इज़ सेड लैंग्वेज इज कोट नॉट टोट। लैंग्वेज को कोट किया जाता है, टोट पढ़ाया नहीं जाता। तो हम स्टूडेंट्स में ऐसे हैबिट्स फॉर्मेट करें ताकि वो इजीली उस लैंग्वेज का यूज कर सकें, वो इंग्लिश थिंकिंग के लिए मोटिवेट हो, वो जैसे भी बोलने का प्रयास करे तो वो इंग्लिश वर्ड ही यूज करे। बाय क्रिएटिंग हैबिट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वी कैन टीच इंग्लिश। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, अनुपात का सिद्धांत। वी शुड इक्वली इम्फेसाइज फोर स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ताकि बच्चे के अंदर प्रत्येक स्किल अच्छे से डेवलप हो सके और उसमें लैंग्वेज का प्रत्येक एस्पेक्ट अच्छे से डेवलप हो सके, जैसे कि ग्रामर प्रोनंसिएशन इत्यादि। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। वी कैन टीच एनी लैंग्वेज वेरी इजीली बाय रिलेटिंग दैट लैंग्वेज टू रियल लाइफ सिचुएशन। हम उस लैंग्वेज को रियल लाइफ से जोड़ते हुए बहुत इजीली टीच कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग रियल ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम और बाय शोइंग मॉडल्स और चार्ट्स। हम डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स के द्वारा भी लैंग्वेज को इजीली टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। करके हम इजीली सीख सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज क्लासरूम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट बहुत इजीली उस लैंग्वेज को लर्न कर सके, उस लैंग्वेज की हैबिट बना सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल प्रैक्टिस। एज इट इज सेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के द्वारा हम किसी भी काम को अच्छे से सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को लैंग्वेज मटेरियल की अच्छी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करवाते हुए भी हम लर्निंग अच्छे से करवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ पर्पज, उद्देश्य का सिद्धांत। हमने इंग्लिश लैंग्वेज टीच करना है तो उसका उद्देश्य क्या है, इस तरह का एक गोल या उस चीज़ को सीखने के ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन करते हुए हम उसको लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग के पर्पस बता के भी हम लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। समटाइम्स मदर टंग ऑल्सो हेल्प्स टू टीच सेकेंड लैंग्वेज। हम मदर टंग के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से किसी वर्ड का मीनिंग, किसी सेंटेंस का मीनिंग एक स्टूडेंट को बता सकते हैं। सो जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज इम्पोर्टेंट टू टीच एनी सेकेंड लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत। वी कैन मोटिवेट एनी स्टूडेंट बाई रेनफोर्समेंट, बाई गिविंग अवार्ड, बाई प्रेजिंग द स्टूडेंट्स। जो भी विद्यार्थी लर्निंग में अच्छा करता है तो हम उसे प्राइज या प्रेज इत्यादि के द्वारा रेनफोर्समेंट देते हुए लर्निंग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। सम स्टूडेंट्स आर स्लो इन लर्निंग, सो वी शुड ऑर्गेनाइज डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द क्लास। डायग्नोस्टिक टेस्ट मीन निदानात्मक परीक्षण।
तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा हम किसी स्टूडेंट की वीकनेस का पता लगा सकते हैं और उस वीकनेस को दूर करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग अरेंज कर सकते हैं। सो रेमेडियल टीचिंग इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इन टीचिंग एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। टीचर शुड बी वेरी कोऑपरेटिव एंड सिंपैथेटिक, ताकि स्टूडेंट यदि बार बार भी पूछता है तो हमें इरिटेट न होके उसका कोऑपरेट करते हुए उसे लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करनी है, ताकि हम बच्चे को अच्छे से सेकंड लैंग्वेज लर्न करवा सकें। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लास में अलग अलग एबिलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर को सभी प्रकार के स्टूडेंट्स ध्यान में होने चाहिए, ताकि वो अलग अलग प्रकार की एबिलिटी के लिए अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दे सके और वो लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प कर सके। सो प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। हम सृजनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के सिद्धांत के द्वारा भी किसी लैंग्वेज को टीच कर सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को हमें क्रिएटिव एक्सरसाइज देनी चाहिए और उसे सेल्फ एक्सप्रेशन का चांस देना चाहिए, ताकि वो इस एक्सप्रेशन के द्वारा लैंग्वेज को अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूजेबिलिटी। हमें यूज में आने वाली वोकैबुलरी, यूज में आने वाले सेंटेंसेस स्टूडेंट्स को टीच करने चाहिए, ताकि वो इजीली लैंग्वेज को लर्न कर सके। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग फोनोलॉजी। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। स्पीकिंग इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। हम किसी भी भाषा को बोलकर बहुत जल्दी सीख सकते हैं, तो बोलने का सिद्धांत भी हम क्लास में यूज करके किसी भी लैंग्वेज को इजीली टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। जब भी हम स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तब हमें प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस के तहत स्टूडेंट्स को सही प्रोनंसिएशन, सही ग्रामर एक्सरसाइज बताते हुए उनकी मिस्टेक्स दूर कर सकते हैं इस प्रिंसिपल के द्वारा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। तो हम डिस्प्ले आइटम्स के द्वारा अलग अलग टाइप के डिस्प्ले शो करके भी लैंग्वेज टीचिंग को इजीली टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। हम रियल ऑब्जेक्ट को क्लासरूम में प्रेजेंट करके एक स्टूडेंट को इजीली किसी लैंग्वेज को टीच कर सकते हैं। यदि रियल ऑब्जेक्ट क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का मॉडल या चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन कर हम लैंग्वेज टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। सो वी शुड यूज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एनी लैंग्वेज इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। एक उचित क्रम का सिद्धांत। इन एनी लैंग्वेज देर आर फोर बेसिक स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कोई भी बच्चा नेचुरली इन फोर लैंग्वेज स्किल्स को एक ऑर्डर से ही सीखता है। सबसे पहले वो लिसनिंग सीखता है। लिसनिंग के बाद वो अपने फैमिली मेम्बर से सुनी गई लैंग्वेज के इजी वर्ड्स को बोलने की कोशिश करता है। उसके बाद वो लेटर को आइडेंटिफाई करता है, रीडिंग करता है, एंड इन द लास्ट वो एक्सप्रेशन सीखता है राइटिंग के माध्यम से। राइटिंग डजंट मीन हैंड राइटिंग। तो इसी तरह से एक टीचर भी अपनी क्लासरूम में अपनी टीचिंग मटेरियल को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इसी क्रम में अरेंज करते हुए यदि टीचिंग करवाता है, तो वो लैंग्वेज को इजीली टीच कर सकता है। इन चार लैंग्वेज स्किल में से टू लैंग्वेज स्किल्स को
रिसेप्टिव मानी जाती है, जिसमें हम कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं, जिसमें हम लिसनिंग और रीडिंग को लेते हैं, और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स में हम लेते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग को, जिसमें हमें अपनी ओर से कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ता है, प्रोडक्ट करना पड़ता है, तो इसे हम प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स के नेम से भी जानते हैं। तो कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विच आर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स एंड विच आर रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स। तो हमें इन लैंग्वेज स्किल्स को एक सही साइकोलॉजिकल ऑर्डर से ही टीच करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। वी शुड यूज मोर देन वन अप्रोच, मोर देन वन मेथड इन आवर टीचिंग। क्लासरूम में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम उन अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक से ज़्यादा अप्रोच, मेथड इत्यादि का यूज करते हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से लैंग्वेज को लर्न कर सकें। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। बाई प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट वी कैन टीच एनी लैंग्वेज इफेक्टिवली। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के अंदर हम लैंग्वेज के विस्तृत सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करते हैं, ताकि सभी स्टूडेंट इसको ईजीली लर्न कर सकें और वो लैंग्वेज में एक्सप्रेशन दे सकें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज। लैंग्वेज के अवसर बताते हुए भी हम स्टूडेंट को लैंग्वेज लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम स्टूडेंट को बताते हैं कि इंग्लिश इज अ पासपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट, तो वो स्टूडेंट मोटिवेट हो जाता है उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो लर्निंग ईजी हो जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग इज प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड। इन ईच लैंग्वेज देयर आर सम एप्टीट्यूड्स। बाई डेवलपिंग दीज एप्टीट्यूड्स वी कैन इफेक्टिवली टीच आवर सेकेंड लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में हम यदि प्रोनंसिएशन, सॉफ्ट उसके बोलने का तरीका, इन सब एप्टीट्यूड्स को स्टूडेंट में डेवलप करते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंडक्टिव एनवायरनमेंट। विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट वी कैन टीच एनी लैंग्वेज वेरी इजीली। सो वी शुड क्रिएट इंग्लिश एटमोसफियर इन द क्लास सो दैट स्टूडेंट्स कैन ईजीली लर्न द लैंग्वेज। हम कंडक्टिव एटमोसफियर की हेल्प से भी हमारी लैंग्वेज को बहुत ईजीली टीच कर सकते हैं। बाई प्रोवाइडिंग कंडक्टिव एटमोसफियर वी कैन टीच एनी सेकेंड लैंग्वेज वेरी ईजीली। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। देर आर टू टाइप्स ऑफ द वोकैबुलरी, एक्टिव एंड पैसिव। विद द हेल्प ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी वी कैन टीच एनी लैंग्वेज वेरी ईजीली। किसी भी लैंग्वेज के लिए वोकैबुलरी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो बच्चे को एक्टिव जो हम डेली यूज़ करते हैं और पैसिव दोनों तरह की वोकैबुलरी टीच करनी चाहिए, ताकि हम लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करवा सकें। दीज आर सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एनी लैंग्वेज। वी शुड कीप दीज प्रिंसिपल्स इन आवर माइंड व्हेन वी टीच एनी लैंग्वेज। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन प्रिंसिपल को लर्न करते हुए दोनों ही तरह के क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन हैं और चाहे वो अप्लाइड यूज से संबंधित क्वेश्चन हैं, उन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को लर्न करते हुए आप दोनों ही तरह के प्रिंसिपल के क्वेश्चन, थ्योरी रिलेटेड और अप्लाइड, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन द लास्ट I request you again to share and subscribe this channel and press the bell icon button so that you can easily get the latest video. See you soon in next video with a new topic. Goodbye.